तो क्या हाल चाल दोस्तों, आज फिर से बात करने वाले हैं टैटू। जी हाँ, टैटू आर्टिस्ट के बारे में। तो ये मैम का क्या टैटू है तो मैं जरूर बताऊंगा, उसके पहले बता। अरे रुक जा भाई, टैटू बनवाने आई थी मैडम ये अपनी इज्जत का फालतू ड्रामा दिखाने। और चलो मैडम की भी छोड़ो, इसकी सुनो भाई पहले। ना इसके पास प्राइवेट रूम है टैटू बनवाने के लिए, ना शर्म हया, कुछ भी नहीं। अरे भाई बिल्कुल भी नहीं, मतलब वहाँ बैठे लोग देख रहे हैं वो कम है, तू तो पूरी दुनिया को दिखा देता है वीडियो बना के। आ चुके मेरे पास टैटू बनाने के लिए अंदर से। आज जो मैम जो टैटू बना रही है बहुत ब्यूटीफुल टैटू, टाइनी टैटू मतलब छोटा सा टैटू। छोटा सा टैटू बनवाने मैडम एकदम छोटे से दिमाग वाले के पास आई है। जो टैटू बाद में बनाता है पहले 1500 एमएल से 2500 वीडियो बना लेता है। मैडम इधर से चलो, मैडम उधर से चलो, वापस स्टेशन चलना पड़ेगा मैडम। जो मैम का ये फर्स्ट टैटू है, मैम को एकदम छोटा टैटू एक फ्लावर टैटू चाहिए। और मैम का बहुत टाइम से मन था कि एक फ्लावर टैटू बनाए, वो भी उनके चेस्ट पे गाइस। ओवरऑल देखा तो मैम को ये वीडियो स्पेशल चाहिए था क्योंकि मैम भी एक इन्फ्लुएंसर मतलब मैम एक क्रिएटर है। अरे बस भाई तू आदमी है, घर चक्कर बच्चों के कपड़े बदल रहे हैं, मतलब अगर कपड़े एडजस्ट करने हैं तो उससे बोल दे मैडम से कि मैडम कपड़े एडजस्ट कर लो, मैडम कर लेगी। पर नहीं मैं करूंगा, मैं हम है ना इधर, बाकी मैडम को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा क्योंकि मैम भी एक इन्फ्लुएंसर मतलब मैम एक क्रिएटर है। इस पूरे भसल की सबसे ज्यादा गलत बात कि मैडम है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अब जो नॉर्मल से अंकल लोग हैं उनको लगेगा ऐसे ही होते हैं इन्फ्लुएंसर, अश्लील बदतमीज बेशरम से। तो उनके घर में अगर कोई टैलेंटेड बच्चा होगा तो उसको कभी वीडियो नहीं बनाने मिलेगी, उनको लगेगा शायद ये भी इसी लाइन में चला जाएगा, तो ऐसे ही हो जाएगा एक दिन तो। पर नहीं दोस्तों, सब लोग एक जैसे नहीं होते। ये भाई ऐसा क्यों कर रहे तो मैं जरूर बता। क्या आदमी है भाई ये, कोई अगर टैटू बनवाने आ रहा है तो सीधा नॉर्मल टैटू आर्टिस्ट जैसे उसका टैटू बनाना, डिजाइन मांग उसकी, उसको डायरेक्शन को देता है कि अंदर घुसना है, करते हुए आना है, मजा आ जाएगा एकदम, वीडियो का हुक पार्ट बन जाएगा। और होंठ पे कौन सा टैटू बनता है भाई, होंठ पे टैटू मतलब भाई के जो लिप्स है खुद देखो यार, मतलब इतने गंदे लिप्स की भाई बहुत ज्यादा परेशान है। भाई की शादी नहीं हो रही ना उसको गर्लफ्रेंड मिल रही। भाई कितनी बेइज्जती करेगा अपने ग्राहक की, कौन सा तरीका है वीडियो चलवाने का कि तुम अपने कस्टमर को डिप्रेशन में डाल दो। वो बेचारा इतना दुखी होके आया नहीं होगा जितना दुखी होके जाने वाला है। इसकी वजह से भाई को अभी परमानेंट लिप्स टैटू चाहिए, वो भी इतना हॉट लिप। खास करके भाई बोल रहा था कि बहुत ज्यादा उम्मीद से आया स्पेशल टैटू बनाने, वो भी बिहार से। फाइनली पहले ऐसे तक उसके बाद जो मैंने ये हॉट मतलब रसीले लिप्स मैंने बनाए, ये रसीले लिप्स आप लोगों को कैसे लगे इस कमेंट में जरूर बताना। भाई तो मतलब हद से ज्यादा खुश। भाई ये कौन से एंगल से खुश है, कहां गए इसके खुशी, मुझे क्यों नहीं दिख रहा खुश, अबे क्या हो गया मुझे हैं? अबे क्या करा उसके फोटो को, चूतिया क्यों बना दिया उसका, सेंटर फूड चबा देने के बाद फूक देने के बाद उसका कलर भी इससे तेज होता है, अबे ये क्या कर दिया। क्या भाई क्या करेगा तू, लोगों को चुनिया देके सील लगाएगा उनके गालों पे, अब तो शादी बिल्कुल भी ना होगी। लोडिया देख के कह देगी इसने तो मेरी तरह लिप लिपस्टिक लगा रखी, अबे छक्का है यो, मैं ना कर रही शादी वादी। बाकी जो समझदार लोग होते हैं वो तो वीडियो के इतने मजे लेने के बाद वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बाकी इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट जीफाड़ एल्फाड़ वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को वायरल करा दो भाई, जल्दी से जल्दी 1 मिलियन कराओ अपने भाई के, फिर बताता हूँ।